तो आज है 22 जनवरी और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। और ये देखिए यहाँ का मौसम काफ़ी ठंड पड़ रही है, कुहासा उतना नहीं है, कम है और दिनों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी है। तो दिन काफ़ी स्पेशल है और कल से ही यहाँ पे ना मंदिर में राम भजन कीर्तन चल रहा है, तो शाम में मैं मंदिर जाऊंगी। और अभी मैं भोग के लिए कुछ प्रसाद बना रही हूँ रामलला के भोग के लिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रखा है यहाँ पे, तो मेरे पास अभी काजू और गोंद, वो जो है ना वो पूजा वाले भी नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं लिया है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और इस वक्त मैंने कढ़ाई में घी डाल करके सबसे पहले मैं इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ना फ्राई कर लूँगी, अच्छे से जरूर भून लूँगी, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी और एक एक करके सारी चीज़ों को मैं बनाती जाऊँगी आप जो मैं आपसे शेयर करूँगी। बिना किसी लाग लपेट के ये भोग प्रसाद ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस चाशनी बनाने भर की देर है। तो अभी मैं बनाने जो जा रही हूँ वो बनेगा आज मेवा पाक और नारियल पाक, और फिर बनाऊंगी मैं धनिया पंजीरी और मखाने के लड्डू, जो कि कहते हैं भगवान को बहुत पसंद होते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को बना रही हूँ और ये बहुत जल्दी से बनने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब में। तो ये सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास अवेलेबल, वो हमने सबको फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं ना मिक्सी में पीस लूँगी, आप चाहे तो दरदरा भी रख सकते हैं। इसी कढ़ाई में मैं अभी भी घी डाल करके और फटाफट से बनने वाले धनिया पंजीरी को मैं रेडी करूँगी। तो अभी मैंने लिया धनिया पाउडर, जो भी मैंने थोड़ी सी ली है अभी, थोड़ी सी कहें तो कटोरी का आधी कटोरी मैंने ली थी, तो उतनी ही मैंने चीनी भी ली है और उसी में फटाफट से घी में मैंने पहले धनिया को भून लिया है, फिर चीनी मिक्स कर दिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को ना उसमें मिक्स कर दूँगी। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने भुना था उसमें से थोड़े थोड़े इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ, बाकी के ड्राई फ्रूट्स बचेंगे वो मैं मेवा पाक में फिर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये लीजिए धनिया पंजीरी तैयार है और राम जी के भोग के लिए। मंदिर से भी ना भजन की आवाज़ आ रही है और अच्छे खासे सुनाई दे रही है। और यहाँ पे कढ़ाई गरम करके 1.5 कप चीनी लिया मैंने, हम लोग मीठा कम खाते हैं, आप चाहें तो इसे बढ़ा लीजिएगा। और अभी इसे थिक चाशनी बनाऊंगी और सो दैट कि ये पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, बाइंड जब होने लगे वो झागाने लगा ना, तो ये हो चुका है अब और ज़्यादा देर लगता नहीं है क्योंकि पानी बहुत कम दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐड करके फटाफट से इसे मिला लूँगी और जल्दी से ये सूख जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मिला करके ना इसे थाली में जिसमें घी लगी हुई थी मैं उसमें पलट करके और फिर इसके गरम गरम में ही मैं इसमें कट लगा दूँगी, सो दैट कि जब ये जम जाए ना तो आराम से टूट जाए। और ये मेवा पाक बनकर तैयार है। अब सेम कढ़ाई में मैंने फिर से चीनी डाला है, 1.5 कप चीनी लिया है मैंने, क्योंकि मखाना 200 ग्राम था, मैंने पूरा मखाना यूज़ नहीं किया है, तो 150 ग्राम मखाना मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो अभी पानी को बहुत कम दिया था मैंने, 1.5 कप लिया है ना, तो लगभग आधे कप मैंने पानी दिया था, तो ये जल्दी से बनकर रेडी हो गया है और ये झाग आ गया है। तो अब इसमें मखाने के पाउडर जो मैंने बनाया था ना
इसे मिक्स करूँगी, फटाफट इसे मिक्स करूँगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसे जल्दी से मिक्स करके और इसके लड्डू बना लूँगी। आप चाहें तो इसे बर्फी का भी स्टाइल दे सकते हैं, बर्फी के तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसमें मीठा ज़्यादा पड़ता है और हमारा मीठा बहुत कम खाते हैं, इसलिए फटाफट से हम लड्डू को बांध लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से एक कप से कम चीनी डाला है मैंने और आधे कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि नारियल जो हमारा है ना वो कच्चा है, तो नारियल को काट कर मैंने पीस दिया था, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने नारियल को छीला नहीं है। आप चाहें तो उसका जो ब्लैक पार्ट होता है ना उसे आप छील दीजिए, तो इससे वाइट भी रह जाएगा। ये अब यहाँ पर नारियल हो चुका है, 10 मिनट में ये हो जाता है, और ये 10 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ कि ये ऐसा हो गया, बनी डाली रखा है इसमें, तो ये पककर तैयार है और ये बर्फी के लिए तैयार है। तो इस तरह से मैंने फटाफट से नारियल, कच्चे नारियल से मैंने बनाया है, और इसे मैं फटाफट से गरम गरम में ही काट दूँगी, तो ये आराम से शेप ले लेगा। तो लीजिए, रामलला की भोग की तैयारी तो हमने कर ली है, अब मैं आपसे शाम में मिलूँगी मंदिर में। तो कैसा लगा इसका हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जगह जगह पे दिए रख दिए हैं लोगों ने, दिए जलाकर रखे हैं सबने, और मैं भी यहाँ पे दीप जलाने आई थी, तो अच्छा लगता है कि देखिए मंदिर तो हर कोई आता है, तो मंदिर आने पे हर कोई हर चीज़ मांगता है अपने लिए, लेकिन कभी ना बैठ करके ना यहाँ की ऊर्जा को भी ना महसूस करना चाहिए। तो मेरी नज़र में वही है मंदिर आना, कि जब जाओ ना तो थोड़ी शांति महसूस करो। तो हालांकि यहाँ पे अभी भजन कीर्तन हो रहा है, लोगों की बाहर में भीड़ जमा है, क्योंकि प्रसाद वितरण होने वाला है थोड़ी देर में, तो आसपास के बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और अब थोड़ी देर में यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा, तब तक मैं भी यहाँ पे जितने भी भगवान हैं ना सबके सामने दीपदान कर दूँगी। और चूँकि शाम का समय है तो घर में भी मैं दीप जला कर आई थी, और यहाँ पे जल्दी से मैं भगवान राम, प्रभु लक्ष्मण और माता सीता को प्रणाम करके फिर मैं हनुमान जी और शिव परिवार का जो मंदिर है उसमें जाऊँगी। तो यहाँ पे है ना, ये हमारी चाची है एक्चुअली, तो मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट होता है ना, पूरा हैंडल इनका, इनके द्वारा, इनकी फैमिली के द्वारा ही होता है,
तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बिठा लिया है कि थोड़ी देर बैठूँ, और फिर वो पूछ रही हैं मुझसे कि आज क्या क्या किया है मैंने। तो भाई मैं बता रही हूँ उनसे कि मैंने जो भी भोग बनाया था ना, तो वही सब उनको बता रही थी कि मैंने ये सब चीज़ें खुद से बनाई हैं, और देख कर कोई खुश हो रही है मुझे, चलो इतना तो कर लिया तुमने। एक्चुअली मेरी ना आदत है कि जहाँ पे भी ना बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे, तो होता क्या ना कि उनका थोड़ा स्नेह मिल जाता है हमें। यहाँ पे हनुमान जी का दरवाज़ा बंद है, तो लोगों ने इस तरह से दीप सजा दिया उनके दरवाजे पर, और यहाँ पे मेरा बेटा भी खुद ही दीप जलाने की जिद कर रहा था, तो मैंने उसे करने दिया है, क्योंकि बच्चों को भी अगर परंपराओं की सीख देनी है ना, तो उन्हें ये सब चीज़ें करने देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को, उनको लगता है कि मम्मा अगर ऐसे कर रही हो ना, तो मैं भी थोड़ी आप पूजा करूँ, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाऊँ। और ये भगवान शिव का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन हमारा यहाँ पे काम चल जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना इस गांव में, वो सभी यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं, और चाहे वो शिवरात्रि हो, सोमवारी हो, या किसी भी दिन, प्रतिदिन लगभग यहाँ पे लोग सभी लोग आते हैं, और अपने टाइमिंग के हिसाब से जिनको जिसमें सूट करता है वो आते हैं और पूजा करते हैं यहाँ पर। तो ये प्रतिदिन होता है यहाँ पर, और ये दीपदान देखिए शाम का समय है, तो लोगों ने दिए जला रखे हैं, और बाहर में भी दिए जले हुए हैं। तो एक्चुअली मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ इसे कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो हम लोग एक्चुअली निकलते नहीं हैं, तो बस बेटे को बोल दिया थोड़ा सा शूट कर ले। तो आज का ये जो स्पेशल दिन था ना, वो पूरी तरह से भगवान राम के नाम रहा। और कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।